बड़े बड़े नाखून भगवान के मैया लक्ष्मी बोली है नाथ देवताओं से कि एक बात बताइए, आज कौन सा रूप है मेरे प्रभु का जो आप लोग इतने घबरा रहे हो। अरे हम देखते हैं, क्योंकि पति चाहे कितने भी गुस्से में हो परीक्षित, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके जरा एक बार मुस्कुरा दे सब गुस्सा खत्म। तो जैसे ही पहुंची भगवान अट्ठाहस करके हंसे, और जो हंसे कहते हैं कि जैसे ही हंसी मैया लक्ष्मी की दो चार पटकी तो वहीं लग गई, बोली आज मेरे प्रभु नहीं है, आज तो कोई बब्बर शेर बैठा है, ऐसा रूप तो मैंने गोविंद का पहले कभी नहीं देखा। और भगवान प्रहलाद को आगे बुलाकर के प्यारे इतना प्रेम है, प्रभु अपनी जिभ्या के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। वरदान मांगो तो का है कि अगर देना चाहते हो तो मेरे पिता को वैकुंठ धाम दे दीजिए। वैकुंठ धाम, भगवान बोले अरे पगले, जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा वैकुंठ में गया है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये बात सुनी है महाराज, एक बात याद रखना, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई, लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांत कर ली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका एक बटा चार चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन कई मेरे भक्त ने धोखे से कह दिया पांच बार नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया है और मेरे प्रभु अंतर ध्यान हुए। बोली वाके बिहारी लाल की। हेलो, और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय जो गोलकपुर संगति कर रहा है मंजीत उर्फ मंजू, उनके माता पिता और भाभी जी 101 रुपए से सम्मानित कर रही, भगवान से कामना करती हूँ हे गोविंद ऐसे परिवारों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बेटी का सभा में सम्मान किया है, इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, बड़ी दूर से आकर के सम्मानित किया, भगवान धन के भंडार हमेशा भरते रहें, यही मेरी गोविंद से कामना है। बोली वाके बिहारी लाल की। महाराज प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। और विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है राजा बलि। बलि ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा बलि। तो महाराज आज भगवान ने देवताओं की मां का नाम था अदिति और पिता का नाम था कश्यप।
राक्षसों की माँ का नाम था दिति और पिता का नाम था कश्यप। राक्षसों की और देवताओं की माए अलग अलग थी लेकिन पिता एक थे। देवताओं की माँ अदिति ने तपस्या की है तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। काय है प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, कौन सा? अगर चाहिए तो आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान बोले अरे माँ, मेरे जैसा बेटा तो तीनों लोकों में नहीं है और तू मेरे जैसा बेटा मांग रही है। उसी समय लेकिन हाँ, इतनी तपस्या की है, मैं तेरे घर में स्वयं अवतार लूंगो। और माताओं एक बात याद रखना, भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र आपके घर में आ सकता है। जैसे माँ तीन बातों का हमेशा ख्याल रखे, वो तीन बातें होती हैं परीक्षित। जो गर्भवती माँ होती है वो सुबह उठ करके एक या दो किलो मक्का या बेजर या गेहूं पीसे चाकी से। जो गर्भवती होती है सुबह उठ करके 21 परिक्रमा गाय के लगाए और हर शाम गाय का एक गिलास दूध पिए। कहते हैं कि भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र घर में आ सकता है। बोले इन तीन बातों से क्या होगा? तो कहते हैं जो माँ सुबह उठकर के चाकी पीसती हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछिए, जो चाकी घूमती है ना उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जैसी चाकी में आवाज आती है वैसी आवाज शेम देवी देवताओं के घंटों और घड़ियालों में और शंखों में आती है। दूसरी चीज, गाय के 21 परिक्रमा सुबह उठकर के लगाएगी, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। काशी वृंदावन मथुरा बरसाने दाऊ जी गोकुल हर जगह जाते हो, कहते हैं कि अनेक तीर्थ करके आते हो, गाय माँ के शरीर में देवताओं का निवास होता है। घर बैठे माँ अपने पुत्र को दर्शन करा सकती है। गाय के दूध से क्या प्राप्ति? बोले जो गाय का दूध होता है, गाय का बछड़ा 2 मिनट में खड़ा हो जाता है और गाय का दूध जब बछड़ा पीता है ना तो दूध पीने के बाद में बार बार उछलता है, ऐसा होता ना। गाय का बछड़ा अगर गाय का दूध पिएगा तो दूध पीने के बाद में खूंटे से अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, बहुत खेंचतान करता है। और भैंस का बच्चा दूध पीने के बाद तुरंत गिर पड़ेगा, ऐसा लगेगा सो गया, वो फिर उपद्रव नहीं कर पाता। तो गाय के दूध की छोड़ो, गाय का मूत्र जो है वो एक चम्मच अगर सेवन करे सुगर वाला आदमी तो उसकी सुगर कभी बढ़ नहीं सकती। भगवान ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल बाबन ही गुल में। तन पर वो पीता मरन रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है।
भगवान का बड़ा अच्छा स्वरूप है। गुरु बृहस्पति जी को भगवान ने गुरु बना लिया। कहा जाओ भोले बाबा के द्वार पे जाकर के भिक्षा मांगो। भगवान भोले बाबा के द्वार पे जाए कि भिक्षा मांग रहे। अब कहा जाओ राजा बलि के द्वार पर जाए कि भिक्षा मांगो। भगवान का 52 अंगुल का स्वरूप है। राजा बलि के द्वारे के लिए जब चले और महाराज जब वहां पहुंचे हैं तो आवाज लगाई है, अरे कहते हैं भैया